कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष भी दोगुनी ताकत से पलटवार कर रहा है। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को देश की सबसे बड़ी फिरौती स्कीम बताई तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को भ्रष्टाचार का गोदाम तक बता दिया। अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटोर्शन कहते हैं। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन का स्कीम है। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ जनता जानती थी कि इस चुनाव में यूपी के दो लड़के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान दोनों एक साथ पहली बार दिखे। दोनों ने गिन गिन कर बीजेपी पर हमले किए। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कांग्रेस की हमें कोई परवाह ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है और राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें आती हैं, आ रही हैं। अब उसके बाद अगर कुछ बचती है तो आप कांग्रेस की बात कर सकते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है, इसलिए इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का अब इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। जन जन ने ठाना है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। नहीं, वायनाड से राहुल जी जो लड़ रहे हैं अमेठी से ना लड़ते हुए, यही ना आपका सवाल? और जब सवाल नहीं, हमारा स्मृति ईरानी दीदी डरा दी उनको, खत्म हो गया। नया जगह ढूंढ ले रहे, नया जगह ढूंढ ले। राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। उधर सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। इनकी स्कीम असफल रही है, इसीलिए ये अपनी स्कीमों की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, इसीलिए आज
यही बातें चल रही हैं। कंगना रनावत ने ये कहा, मोदी जी कह रहे हैं इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी। ये सब फिजूल की बातें हैं। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होना चाहिए। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था, लेकिन प्रदेश की जनता ने यूपी के दो लड़कों पर ज्यादा भरोसा किया नहीं। 7 साल बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े भाई की भूमिका में 63 सीटें लेकर अखिलेश ही है। देखने वाली बात होगी कि इस बार लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं या यूपी के दो लड़कों के दावों पर। सवाल यूपी की 80 सीटों का है। आज तक ब्यूरो।